सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अपने पीछे पड़ा था संधि के भाग दो तक, आज संधि का तीसरा भाग अपने करने जा रहे हैं, जो कि स्वर संधि का दो भेदों के नाम और उनके उदाहरण और उनकी परिभाषा आज हम यहाँ समझेंगे पढ़ेंगे। तो तीन तक तो आपने पहले कर लिया था, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि। आज चौथी संधि का नाम है वर्दी स्वर संधि। अब वर्दी स्वर संधि क्या है इसकी परिभाषा देखिए। यदि ए या आ के बाद, किसके बाद ए या फिर आ के बाद ए या आई आवे, यानी कि ए या आ के बाद में यदि ए आता है या आई आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तथा ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। यदि ए आ के बाद में ओ आता है या फिर औ आता है तो उनका क्या बनता है? औ बनता है, यानी कि उसका वर्दी रूप होता है। इसी प्रकार ए आई का वर्दी रूप आई था, ओ का वर्दी रूप औ था। तो उदाहरण के तौर पे जैसे दिखाया है, एक प्लस एक एक एक, यानी कि एक में ए और एक में ए, ए और ए दोनों मिले तो क्या बना? आई बना। क्या बना? आई। इसी प्रकार नौ प्लस ऐश्वर्य तो नवेश्वर्य, यानी कि ए के बाद में आई आया तो भी उसका आई बना, नवेश्वर्य वर्दी रूप बना। इसी प्रकार आ का और देख लो, यदि आ के बाद में ए आता है तो क्या बनता है? जैसे सदा प्लस एव सदैव, आ के बाद में ए आया तो भी आई बना। क्या बना? आई बना। तथा प्लस एव तथैव, आ के बाद में ए आया तो भी आई बना। ये तो था आपका आई का लग। अब अपने देखेंगे परम प्लस ओजस्वी। परम में मैं ए और ओ, परमोजस्वी यानी कि ए और ओ दोनों मिलते हैं तो वर्दी रूप क्या बनता है? औ बनता है। जैसे परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, यानी कि यहां दो मात्रा लग जाएगी, उसका वर्दी रूप हो जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और दिया हुआ है, परम प्लस औषधि। क्या है? परम प्लस औषधि परमोषधि, यानी कि ए के बाद में औ, ए के बाद में औ होता है तो भी औ बनता है, उसका वर्दी रूप परमोषधि। तो इस प्रकार ए प्लस औ दोनों को मिलाते हैं तो वर्दी रूप बनता है औ। अब ये था आपकी स्वर संधि का चौथा रूप अपने पढ़ा। अब देखिए पांचवा और अंतिम अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि क्या है इसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखिए यदि ए आई ओ औ चारों स्वर शब्द है, स्वर ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो, यानी कि इनके बाद ये नहीं आने चाहिए, इनके अलावा कोई भिन्न स्वर आता है ना दूसरा स्वर आवे तो, ए का तो बनता है अय, ए का क्या बनता है? अय। अय का बनता है आय, ओ का बनता है औ और औ का बनता है आव। यानी कि तीनों के बाद में कोई, इन चारों के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है इन चारों के बाद में तो इसका तो बनेगा अय, इसका बनेगा आय, ओ का बनेगा औ, औ का बनेगा आव। तो इस प्रकार का रूप हो जाता है यदि इनके बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो। उदाहरण के तौर पे देखिए
उदाहरण दिया हुआ, इधर देखिए ध्यान से, ने प्लस अन नयन, यानी कि ए का क्या बना, अय बना, तो अय न में ए और यहां ये अय। इसी प्रकार से प्लस अन चयन, से प्लस अन चयन, इन तीनों में ए का क्या बना है, अय बना है। इसी प्रकार नीचे और उदाहरण दिए हुए हैं, नई प्लस में अक नायक आय बना, इसमें आय का क्या बना है, आय, यानी कि दो मात्रा और फिर ए आने पर आय बनता है, तो आय। इसी प्रकार गई प्लस अक गायक, आय का आने पर आय बनता है। अब इसी के और उदाहरण दिए हुए हैं, अव क्या कैसे बनता है और आव कैसे बनता है। तो ओ का देखिए, ओ प्लस अन पवन, अव बन गए यहाँ पे, ओ का अव, ओ है यहाँ पे और उसके बाद में एन न, तो पवन ए व, दो प्लस अन दयावन अव। इसी प्रकार श्रो, श्रो प्लस अन श्रवण, इस प्रकार से ये ओ का अव बनता है। ओ प्लस अन पावन, ओ प्लस अक पावक, ओ का अव बनता है। तो इस प्रकार ये आपकी स्वर संधि पूर्ण हो गई, आयादि स्वर संधि के ये थे उदाहरण। आपको कम से कम दोनों के 10 प्लस से 10 उदाहरण लिखे लाने, 10-10 उदाहरण स्वयं और लिखेंगे, यह आपका गृह कार्य मान लो। धन्यवाद।